ये सिर्फ और सिर्फ एक सरकार का सफेद हाथी है। 25 साल से कितनी सरकारें आई और गई, इस अस्पताल का नक्शा ना तो बदला, सिर्फ बिल्डिंग बदली। ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के जुमले हैं और पैसे खाने का तरीका है। नमस्कार, मैं हूं दीपक खनेजा और आप देख रहे हैं एवन हरियाणा। आज हम मौजूद हैं जाखल के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंदर, जिसके हालात कैसे हैं। पिछले कई सालों से यहाँ पे लोग जो हैं वो डॉक्टरों के लिए तरस रहे हैं। इतना बड़ा भवन बना हुआ है और डॉक्टरों के लिए रहने के लिए यहाँ पे उनके लिए क्वार्टर भी बन चुके हैं। और इस स्थिति को देखने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एक आम आदमी पार्टी के युवा नेता आदित्य बंसल जी। आदित्य जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आदित्य जी। आपका इस अस्पताल के बिल्कुल सामने मकान है, अक्सर आप देखते रहते होंगे, यहाँ पे मरीज भी आते हैं, आपका हॉस्पिटल के अंदर कभी कभी आना जाना भी होगा। क्या सोचते हैं आप, यहाँ पे डॉक्टरों के हालात क्या हैं और हॉस्पिटल के अंदर किस तरीके की यहाँ पे तैयारियां रहती हैं, क्या स्टाफ पूरा है या नहीं है, क्या हालात हैं जाखल के अस्पताल के? ये अस्पताल नहीं है दीपक जी, हम पहले भी कई बार इस मुद्दे पर बात कर चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक सरकार का सफेद हाथी है, जो सरकार की नाकामी को दर्शाता है कि कैसे सरकार बार बार लोगों की सेवा करने में या लोगों की मदद करने में विफल रही है। कैसे ये सरकार बार बार अपनी कोशिशों के बावजूद सरकार लोगों को एक चीज़ को मुहैया नहीं करा सकती है। जैसा कि हमारी सरकार बार बार लोगों से वादा करती है कि हमारी सरकार आने पर हम लोगों को मुफ्त इलाज, मोहल्ला क्लिनिक और जगह जगह अस्पतालों की सुविधा उपलब्ध करवाएंगे, वहीं पर ये सरकार जिसने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए इस अस्पताल पर पिछले 20 साल से 25 साल से कितनी सरकारें आई और गई, इस अस्पताल का नक्शा ना तो बदला, सिर्फ बिल्डिंग बदली है। आदित्य जी, हालात नहीं बदले। आदित्य जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। अभी अभी बीजेपी सरकार ने टोहाना के अंदर 100 बेड का नया अस्पताल बनाने की बात करी है, तो आपको क्या लगता है कि उधर नया 100 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, इधर जो हॉस्पिटल बना हुआ है इसको लेकर यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, लोग परेशान है, मरीज परेशान है, बाहर जाना पड़ता है, तो सरकार का दायित्व क्या बनता है, सरकार चाहती क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ सरकार के जुमले हैं और पैसे खाने का तरीका है। ये सरकार अगर चाहे और लोगों की सच में सेवा करनी चाहती है तो जो पहले से अस्पताल मौजूद है उनकी हालात को सुधारो, यहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध करवाएं, यहाँ पर लैब का प्रबंध करें, यहाँ पर दवाइयों का प्रबंध करें। सरकार इतनी बड़ी बिल्डिंग सरकार ने बना दी है, करोड़ों रुपए खर्च करके रहने के लिए क्वार्टर बनाए हैं डॉक्टर्स के। पहले लोगों को समस्या रहती थी कि यहाँ पर डॉक्टर आएंगे कैसे, उनके रहने का प्रबंध नहीं है, पर अब तो रहने का प्रबंध भी हो चुका है। करोड़ों रुपए की लागत से इतनी बढ़िया बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी है, फिर भी क्या कारण है कि सरकार आज तक यहाँ पर एक भी अच्छा डॉक्टर नहीं ला पाई है? कई स्वयंसेवक संस्थाएं हैं जो लोगों के भलाई के लिए कार्य कर रही है, जगह समय समय पर वो बाहर से डॉक्टरों को लेकर आते हैं और लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, क्या ये काम भी एक आम आदमी का काम है? क्या सरकार, फिर हमें सरकार की जरूरत ही किस लिए है? दिल्ली में आपकी सरकार पहले चल रही है, पंजाब में अभी अभी आपने सरकार बनाई है, वहां पर भी जो क्लिनिक, मोहल्ला क्लिनिक जो आपने खोले हैं, क्या आने वाले समय में हरियाणा के अंदर अगर आपकी सरकार रहती है तो यहाँ पर भी स्वास्थ्य के ऊपर आपकी सरकार कोई ज्यादा काम करेगी? बिल्कुल करेगी दीपक जी। सबसे पहले हमारे जो मुद्दे हैं वो लोगों की भलाई के ही मुद्दे हैं। सबसे पहले एक अच्छी शिक्षा का मुद्दा हम लेकर चलते हैं, जो प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक बच्चे का अधिकार है कि उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। दूसरा, स्वास्थ्य सेवाएं। अगर हम इस देश के नागरिक हैं और हम अपने देश को बाहर वाले मुल्कों के साथ कंपेयर करते हैं या उनके विकसित देशों के साथ लेकर देखना चाहते हैं, तो वहां पर आप देखिए जितने भी विकसित देश हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे यूके है, कैनेडा है, वहां पर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं सरकार फ्री में दे रही है, तो ये हमारे यहाँ पर क्यों सरकार मुहैया नहीं करा पा रही है? क्योंकि आज तक लोगों की भलाई के लिए किसी सरकार ने सोचा ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता का लालच रहा है और अपना पेट भरने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए सब सरकारों ने काम किया है। हमारी सरकार लोगों भलाई के लिए कार्य करेगी और लोगों के स्वास्थ्य के लिए सबसे प्रायोरिटी पर हम ध्यान देंगे। दूसरा, हम बेरोजगारी को खत्म करने पर तुले हुए हैं कि बेरोजगारी कैसे खत्म हो। अगर आपको अच्छी शिक्षा उपलब्ध करवा पा रही है सरकार और आपका अच्छा स्वास्थ्य है और अच्छी आपको सब सुविधाएं मिल रही है, तो रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? जब आपको एक अच्छा वातावरण मिलेगा, एनवायरनमेंट एक अच्छा होगा जहां पर आप एक नई फैक्ट्रियां लगा सकते हैं और सरकार उनको प्रमोट करेगी कि आप आइए और बिजनेस कीजिए यहां पे, तो लोगों को रोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल आदित्य जी, धन्यवाद आपका। ये थे आम आदमी पार्टी के युवा नेता आदित्य बंसल जी, जो जाखल की हर एक समस्या को बड़े बेफोक से उजागर करते हैं और सरकार के सामने उनकी नाकामयाबी रखते हैं। और आप जैसे देख ही रहे हैं कि ये जाखल का हॉस्पिटल है, इसके लिए सरकार आगामी समय में क्या करेगी ये वक्त ही बताएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी के युवा नेता का एक वचन है जो कि हमारी सरकार है जो वो जनता के भलाई के कार्य करते रहेगी। आप बने रहिए मेरे साथ एवन हरियाणा के लिए, धर्मपाल सक्सेना के साथ दीपक खनेजा। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें एवन हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन, ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।